हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग रेशनलाइज करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले रेशनलाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, रूट एक्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, एक्स होगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि रूट अंडर एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2 होता है। और जब अगर हम एक्स बाय एक्स टू द पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। ओके, तो यहाँ पर रूट का चुके स्क्वायर होने वाला है, तो आप ध्यान देंगे रूट अंडर एक्स का स्क्वायर जब भी करोगे तो एक्स। इसी प्रकार रूट अंडर 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा। रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, अंडर रूट 3-1 अपॉन अंडर रूट 3+1 दिया है। तो हमेशा हम रेशनलाइज करने के दौरान क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म दैट इज डिनोमिनेटर, जैसे ऊपर वाले को आप न्यूमरेटर बोलते हो, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का हम लोग रेशनलाइज करेंगे। क्योंकि नीचे में हमें रूट वाले संख्या को क्या करना है, हटाना है। ओके, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम अंडर रूट 3-1 अपॉन अंडर रूट 3-1 करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, ऊपर जो है अंडर रूट 3-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसे लिखोगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3-1। फिर देखो रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय 2 होगा, तो यहाँ पे 4-2 अंडर रूट 3 बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आप कैंसिल कर दो, तो 2-√3/2, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2-√3। ओके, तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी में सेकेंड क्वेश्चन ध्यान देंगे, दिया है 4 अपॉन √7 + √3। तो इसे रेशनलाइज करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, √7 + √3, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे √7 - √3, √7 - √3। आप इसे ध्यान में रखे, डिनोमिनेटर को ध्यान में रख के रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पर जो साइन होगा उसको आप चेंज कर दोगे, यहाँ प्लस है तो मैंने देखो यहाँ पर माइनस लिखा है, तो ये 4 √7 - √3, और नीचे हो जाएगा बच्चों √7 2 - √3 का स्क्वायर। तो ये देखो 4 √7 - √3, और यहाँ पे देखो 7 माइनस कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो गया 4 √7 - √3 डिवाइडेड बाय 4। तो देखो बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो √7 - √3 होगा। ओके, इसी में हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखो 3-2 √2 बेटा 3+2 √2। फिर हम यहाँ पे स्लाइस करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा, 3-2 √2 अपॉन 3-2 √2। फिर से देखो ऊपर में आपका क्या आ रहा है, 3-2 √2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो रहा है बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर। ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है फॉर्मूला, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 - 2√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर। नीचे 9 - 2√2 का स्क्वायर, देखो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। यहाँ देखो 3 3 = 9, 3 2 = 6, 6 2 = 12 √2, और ये फिर से देखो 2 2 = 4, 4 √2 का 2, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 9 - 8 होगा। ओके, फिर देखो 9 8 क्या होगा, 17 - 12 √2 और डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 17 - 12 √2। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आया होगा, जल्दी से नोट करेंगे। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 बना रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो 4 नंबर में बच्चों क्या कह रहा है, √6 - √5 का 1 अपॉन √6 - √5 का स्लाइस करना है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, √6 + √5 √6 + √5। तो देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म रह जाएगा, और नीचे हो जाएगा बच्चों √6 2 - √5 2। तो ये √6 + √5, और ये हो गया 6-5। तो बच्चों 6-5 1 होता है, तो
अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय वन, तो वन को वन रहने देते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दे रहा है बच्चों, एट माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन एट प्लस अंडर रूट थ्री। फिर से हम स्लाइस करेंगे, एट माइनस अंडर रूट थ्री, एट माइनस अंडर रूट थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एट माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, फिर से इसे तोड़ेंगे तो एट का स्क्वायर माइनस टू इंटू एट इंटू अंडर रूट थ्री प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा देखो, एट 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 का स्क्वायर एट एट जब 64 माइनस थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 64 माइनस टू एट जब 16 अंडर रूट थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड बाय ये 61 होगा। देखो 64 प्लस थ्री 67 माइनस 16 रूट थ्री डिवाइडेड बाय 61, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ओके इसके बाद देखो बच्चों सिक्स नंबर, 4 अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय 4 माइनस अंडर रूट फाइव। यहाँ पे भी हम रेशनलाइज करेंगे तो 4 प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन 4 प्लस अंडर रूट फाइव, नीचे वाला को ध्यान में रखकर स्लाइस करते हैं। डिनोमिनेटर दिया है 4 माइनस अंडर रूट फाइव, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस अंडर रूट फाइव से ऊपर नीचे। ओके तो ऊपर देखो 4 अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट फाइव का स्क्वायर होगा। तो बच्चों 4 का स्क्वायर 16 रूट फाइव का स्क्वायर, आप ऐसे लिखोगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 5। तो देखो ये 16 माइनस 8 रूट 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या 11, तो 16 और 5 21 प्लस 8 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 11, यही आंसर हो जाएगा। ओके इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखो बच्चों 5 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2, तो यहाँ पे भी हम लोग रूट 7 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 7 प्लस रूट 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा बच्चों 5 इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये 5 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 और ये 7 माइनस 2 हो जाएगा बच्चों, तो 5 अंडर रूट 7 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 2। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। देखो बच्चों 8 कैसे बनाएंगे, 10 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस अंडर रूट 3। फिर से आप यहाँ पे देखो 10 प्लस रूट 3 है तो अंडर रूट 10 माइनस रूट 3 से क्या करो रेशनलाइज कर दो, तो 10 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों 10 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा। ओके तो ये देखो 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू अंडर रूट 3 प्लस हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 3, तो ये हो गया 100 माइनस 20 अंडर रूट 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 97, तो ये हो जाएगा 103 माइनस 20 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 97, ये आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों 1 बाय अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो इसको स्लाइस करेंगे तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ये कैसे हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा और नीचे में देखो बच्चों रूट ए का स्क्वायर करेंगे और रूट बी का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया रूट ए माइनस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों 10 में क्या कह रहा है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। यहाँ पे भी हम लोग अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बट्टा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो नीचे वाले साइन को ध्यान में रख के काम करना, तो रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा बच्चों रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो देखो रूट ए का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी और प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। नीचे देखो बच्चों ए माइनस कितना बी, तो ये ए हो जाएगा ये 2 अंडर रूट ए बी, दोनों को हम सेम एक ही रूट में ले लेंगे प्लस बी डिवाइडेड बाय बच्चों ए माइनस बी, तो आप इसको यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से रेशनलाइज किया जाता है। ओके थैंक यू।